नमस्ते, मेरा नाम है हिमांश और आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट पर दोस्तों स्वागत है। आज सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट जगत से है। दरअसल में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर बल्लेबाज एरन फिंच और विश्व विजेता कप्तान एरन फिंच ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब से एरन फिंच नहीं खेलने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं थे और अब T20I फॉर्मेट के लिए खुद को बचा हुआ था, लेकिन अलविदा कह दिया है। एरन फिंच इस समय 36 साल के हैं और उन्हें लगा कि मैं 2024 का जो T20 विश्व कप है उसके लिए योग्य नहीं हूं, शायद किसी और को बैटन अगर थमा दिया जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बेहतर करेंगे और इसी वजह से एरन फिंच ने सूझबूझ दिखाते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता दें कि एरन फिंच ने अपने करियर में 5 टेस्ट मैच खेले, 278 रन बनाए और 250 इस दौरान उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा वनडे फॉर्मेट की बात करें तो 142 वनडे मैचों में 5,406 रन बनाए, 17 शतक और 30 पचासे भी इस दौरान उन्होंने लगाए। वहीं अगर T20I फॉर्मेट की बात की जाए तो 103 T20 मैचों में 3,120 रन बनाए, 34 का एवरेज रहा, 143 का स्ट्राइक रेट इस दौरान एरन फिंच का रहा, जबकि 2021 के T20 विश्व कप में उन्होंने अपनी टीम की कप्तानी की और ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता भी बनाया। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।